तो गाइस फाइनली हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्री गेम की न्यू अपडेट से रिलेटेड आ चुके एक बहुत बड़ी गुड न्यूज। एंड गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको न्यू ऑटो रिक्शा के अपडेट के बारे में बताऊंगा, साथ साथ न्यू ट्रैक्टर के अपडेट के बारे में बताऊंगा, साथ साथ न्यू बस के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। साथ साथ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको न्यू ट्रक की ट्रॉली की अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। जो गाइस अभी के टाइम पर हमारे गेम के अंदर में ट्रक की ट्रॉली देखने को मिलती है, यानी कि हम सभी लोग अपने गेम के अंदर यहाँ पर 0-12 डायल करते हैं तो हमारे गेम के अंदर में ट्रक विथ ट्रेलर देखने को मिलता है। बट हमारे गेम के अंदर में जो ये वाली ट्रॉली दिखने को मिलती है वो इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है। एंड हम सभी लोग अपनी गेम के अंदर इस वाले ट्रॉली को जब ड्राइव करते हैं, यानी कि हम सभी लोग अपनी गेम के अंदर इस वाले ट्रक और ट्रॉली को चलाते हैं तो ये इतने अच्छे से नहीं चल पाता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसकी जगह पर हमें किस तरह की ट्रक की ट्रॉली देखने को मिलेगी। एंड गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, तो गुड न्यूज को जानने के लिए इस वाली वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करना। बट उससे पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो याद से इस वाली वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो गाइस आप लोग को बताओ कि हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्री गेम के अंदर ये वाली न्यू निसान जीटीआर कार को एड कर दिया है। एंड कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको इसका फुल गेम प्ले वीडियो दिखा दिया था एंड मैंने इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी थी। एंड आप लोगों को निसान जीटीआर कार भी काफी ज्यादा मस्त लगी है। एंड गाइस अभी आपको यहाँ पर जो स्क्रीन पर गेम प्ले वीडियो दिख रहा है ये एक और न्यू गेम प्ले वीडियो था जो कि रोहित शर्मा ने कल थोड़े टाइम के बाद सेंड किया था, यानी कि कल मैंने जैसे वीडियो अपलोड कर दी तो उसके बाद एक और गेम प्ले वीडियो आया था जो कि शायद से आप लोगों ने अभी तक देख भी रखा होगा। बट आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आप लोगों को न्यू निसान जीटीआर कार कैसी लगी है। एंड गाइस सबसे पहले तो मैं आपको हमारे गेम के अंदर जो न्यू बाइक आने वाली उसकी कुछ गुड न्यूज के बारे में बता देता हूँ। जो गाइस हमारे गेम के अंदर में न्यू ZX Trainer बाइक देखने को मिलने वाली है एंड उसकी सारी सारी पिक्स भी मैंने आपको दिखा दी थी, लेकिन रोहित ने ये कहा कि जो हमारे गेम के अंदर न्यू अपडेट आएगी उसके अंदर में कुछ और बाइक भी देखने को मिलेगी, जैसे कि हमारे गेम के अंदर में न्यू रॉकी बाइक देखने को मिल जाएगी, साथ साथ हमारे गेम के अंदर में पुलिस बाइक भी देखने को मिल जाएगी। एंड रोहित ने ये कहा कि जो न्यू अपडेट आएगी उसके अंदर में न्यू KTM बाइक देखने को मिलने वाली है, यानी कि अभी के टाइम पर हमारे गेम के अंदर जो मैं KTM बाइक देखने को मिलते हैं उसे रिप्लेस करके हमारे गेम के अंदर न्यू KTM का मॉडल ऐड किया जा रहा है। बट वो वाली KTM बाइक हमें किस तरह की देखने को मिलेगी वो रोहित ने अभी तक हमें नहीं बताया है। बट जैसे वो बाइक हमारे गेम के अंदर ऐड होगी तो उसका मॉडल या फिर उसका पिक वगैरह रोहित शर्मा में सेंड करेंगे। एंड गाइस हमारे गेम के अंदर जो न्यू KTM आने वाली वो KTM का न्यू लेटेस्ट मॉडल होने वाला है जो कि लिटरली काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। एंड गाइस हमारे गेम के अंदर जो न्यू रॉकी बाइक आने वाली है वो अभी आपको यहाँ पर जो स्क्रीन पर देखने को मिल रही है बिल्कुल इसी तरह से हमारे गेम के अंदर न्यू रॉकी बाइक देखने को मिलने वाली है। लिटरली आप लोगों को रॉकी बाइक की अपडेट काफी ज्यादा मस्त लगी है। एंड गाइस हमारे गेम के अंदर में रॉकी बाइक या फिर पुलिस बाइक इन दोनों में से कोई भी एक ही बाइक देखने को मिलेगी, क्योंकि रोहित ने ये कहा कि आप लोग अपनी ऑडियंस से पूछो कि वो हमारे गेम के अंदर न्यू पुलिस बाइक को देखना चाहती है या फिर यहाँ पर न्यू रॉकी बाइक को देखना चाहती है। तो आप लोग ही कॉमेंट के अंदर बताओ कि आप लोग पहले रॉकी बाइक देखना चाहते हो या फिर यहाँ पर पुलिस बाइक को देखना चाहते हो। एंड मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको रॉकी बाइक की अपडेट के बारे में फुल डिटेल के अंदर बता दिया था, तो अभी तो आप लोग यहाँ पर कॉमेंट के अंदर बताना कि आपको रॉकी बाइक चाहिए या फिर यहाँ पर पुलिस बाइक चाहिए। एंड गाइस अभी हम बढ़ते हमारे गेम के अंदर आने वाली कुछ न्यू कार्स की अपडेट के बारे में। तो गाइस जो इस बार न्यू आने वाली उसके अंदर में न्यू आर्मी जीप देखने को मिलने वाली है। एंड गाइस ये 90% कंफर्म हो गया है कि आने वाली इसी अपडेट के अंदर में न्यू आर्मी जीप देखने को मिलेगी। एंड गाइस जो जीप आएगी उसका अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि जो जीप आने वाली उसका कोई पीक या फिर कोई मॉडल का पीक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट जैसे उसे हमारे गेम के अंदर एड किया जाएगा तो उसके कुछ पीक या फिर वीडियो वगैरह आएंगे। एंड जैसे वो सब कुछ आएगा तो मैं आपको सबसे पहले आकर आपको दिखा दूंगा। बट आप लोग मुझे कॉमेंट के अंदर बताओ कि आप लोगों को न्यू जीप की अपडेट कैसी लगी है। एंड गाइस अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगली अपडेट की तरफ। तो गाइस जो ये वाली अपडेट होने वाली है यहाँ पर न्यू बस की अपडेट होने वाली है। जे गाइस हमने इसके बारे में ऑलरेडी रोहित सर से बात कर रखी है एंड रोहित सर को बस का आइडिया भी काफी ज्यादा मस्त लगा है। बट रोहित सर का कहना ये कि जो इस बार न्यू अपडेट आई उसके अंदर में ऑटो रिक्शा या फिर ट्रैक्टर देखने को मिलेगा एंड जो बस होगी उसे उसके बाद ही एड किया जाएगा, यानी कि पहले तो हमारे गेम के अंदर ऑटो रिक्शा को एड किया जाएगा या फिर ट्रैक्टर को एड किया जाएगा। एंड जैसे इसके ऊपर कम्प्लीट होगा तो ही बस के ऊपर काम स्टार्ट होगा। एंड आप लोग को बताओ कि जो अपडेट होता है उसके ऊपर काम करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। तो रोहित सर ने पहले ये बोला कि पहले ऑटो रिक्शा एंड पहले ट्रैक्टर एंड उसके बाद ही न्यू बस। बट जब भी हमारे गेम के अंदर बस को ऐड किया जाएगा तो हमको गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड गाइस जो बस है वो 100% कंफर्म हो चुकी है, यानी कि इस बार की अपडेट के अंदर हमें बस देखने को नहीं मिली तो इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आएगी उसके अंदर हमें न्यू बस देखने को मिलेगी। एंड गाइस रोहित ने एक सीक्रेट अपडेट के बारे में बताया है, यानी कि उन्होंने कहा कि इस बार की अपडेट के अंदर हमें एक बड़ी सी सीक्रेट अपडेट देखने को मिलेगी। एंड गाइस हमें रोहित ने सीक्रेट अपडेट के बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी है, बट उन्होंने जब स्टार्टिंग के अंदर अपडेट के ऊपर काम स्टार्ट किया था तब उन्होंने बताया था कि हमारे गेम के अंदर फ्लाइंग डायनासोर ऐड हो रहा है। एंड उसके बाद रोहित ने उसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं बताई है, तो शायद से जो इस बार न्यू अपडेट आएगी उसके अंदर में ड्रैगन का भी अपडेट देखने को मिलेगा। एंड आप सभी लोग जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोग हमारे गेम के अंदर जल्द से जल्द न्यू ड्रैगन देखना चाहते हो या फिर नहीं। एंड गाइस अभी मैं आपको कुछ ऐसी अपडेट बताऊंगा जो कि शायद से इस बार की अपडेट के अंदर में देखने को ना मिले, बट शायद से आ भी सकती है, बिकॉज आप लोगों को बताओ कि हमारे गेम के अंदर अपडेट कई सारी आ चुकी है बट अभी मैं आपको जो अपडेट बताऊंगा वो नहीं आई है। ठीक है, जो इसके अंदर पहला अपडेट होने वाला वो यहाँ पर न्यू क्लोथ का अपडेट होने वाला
वाला है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर करेक्टर के कई सारे कपड़े देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर हमें कुछ खास कपड़े देखने को नहीं मिलते हैं। तो शायद से जो इस बार अपडेट आएगी उसके अंदर न्यू क्लोथ की अपडेट देखने को मिलेगी। एंड गाइस इसके बाद जो अपडेट होने वाला है वो रोहित सर ने बताया है। तो गाइस रोहित सर ने ये कहा कि हमारा जो एयरपोर्ट है वहाँ पर थोड़े मोड़े चेंजेस किए जाएंगे, एंड वो चेंजेस क्या हो गए वो रोहित सर ने कुछ भी नहीं बताया है। यानी कि इस बार की अपडेट के अंदर भी हमारी सिटी को थोड़ा बहुत इंप्रूव किया जाएगा। एंड गाइस हमने रोहित सर से ये बात करी कि हमारे गेम के अंदर में जो बिग वाला एरोप्लेन देखने को मिलता है उसका इंटीरियर ऐड किया जाए, यानी कि जो पैसेंजर सीट होती है उसे हमारे प्लेन के अंदर ऐड किया जाए एंड उसका जो गेट होता है उसे ओपन कर दिया जाए, ताकि हम सभी लोग जब यहाँ पर एयरपोर्ट पर जाए तो यहाँ पर प्लेन के अंदर जा पाए। एंड गाइस अगर हमारे गेम के अंदर ऐसी चीज आएगी तो हम लोग यहाँ पर प्लेन को ड्राइव नहीं कर पाएंगे, बस सिंपल यहाँ पर हम पैसेंजर सीट पर ही जा पाएंगे। बट अगर ऐसी भी अपडेट आएगी तो हमें गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आप लोग ऐसी अपडेट हमारे गेम के अंदर लेना चाहते हो या फिर नहीं। एंड गाइस इसके अलावा भी हमारे गेम के अंदर कुछ कमाल की अपडेट आ सकती है जो कि अभी मैं आपको बता देता हूँ। जगह जो इस बार न्यू अपडेट आएगी उसके अंदर में कुछ बड़े बड़े व्हीकल देखने को मिलेंगे, एंड जो व्हीकल हो गए उसके बारे में रोहित सर ने कोई डिटेल नहीं बताई, तो मैं उसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल वगैरह नहीं बताऊंगा। एंड गाइस इसके अलावा हमारे गेम के अंदर में न्यू जेट प्लेन देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे गेम के अंदर जो जेट प्लेन है जो हवा में उड़ता रहता है उसे शायद से इस बार की अपडेट के अंदर हम ड्राइव कर पाएंगे। बट इसके अलावा हमारे गेम के अंदर में लैम्बोर्गिनी सियान कार भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो कार से वो कौन कौन सी है उसके बारे में रोहित सर ने कोई भी डिटेल नहीं बताई है। एंड गाइस मैंने वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर भी आपको यहाँ पर न्यू ट्रक की ट्रॉली के अपडेट के बारे में बताया था। जी गाइस हमारे गेम के अंदर बिग टाइम पर हमें जो ट्रक की ट्रॉली देखने को मिलती है वो उतनी ज्यादा खास नहीं है, एंड हम सभी लोग जब ट्रक विद ट्रेलर को यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो वो सही से चलता भी नहीं है। तो मुझे लगा कि हमारे गेम के अंदर न्यू ट्रक की ट्रॉली को ऐड किया जाए तो वो सही रहेगा। जी गाइस अगर हमारे गेम के अंदर कंटेनर वाली ट्रॉली को ऐड किया जाएगा तो हमारी गेम एक नंबर हो जाएगी, यानी कि जो हमारा ट्रक होगा वो बेस्ट तरीके से चलेगा एंड हम उसके अंदर यहाँ पर कार और बाइक को पार्क करके भी ले जा पाएंगे। एंड आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आप लोग हमारे गेम के अंदर जो ट्रॉली देखने को मिलती है उसे चेंज करना चाहते हो या फिर नहीं, या फिर हमारे गेम के अंदर जो ट्रक विद ट्रॉली है वो आपको अच्छी लगती है या फिर नहीं। एंड गाइस इसके बारे में एक छोटी सी कमेंट करना ताकि आने वाली किसी ना किसी वीडियो के अंदर हम इसके बारे में बात कर सके। एंड अगर आप लोगों को ट्रक की ट्रॉली अच्छी नहीं लगी तो हम हमारे गेम के अंदर न्यू ट्रॉली को भी ऐड करवा सकते हैं, बट इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर कई सारी कमेंट करनी होगी। एंड गाइस इस वाली वीडियो के अंदर मेरे पास बस यही सारी अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बता दी है। एंड आई होप कि आपको ये वाली वीडियो काफी ज्यादा मस्त लगी होगी। बाकी तो गाइस आप में से जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो याद से इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को तो फटक से सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड गाइस बेल आइकन को याद से प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी तो गाइस मैं मिलता हूँ ऐसी ही कमाल की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।